श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैसाख के महीने में मात्र अगर पांच बेलपत्र और मट्टी के पात्र में रखा हुआ जल, मट्टी के पात्र से मतलब है कलश, जो माटी का जो कलश होता है आपके घर में जो रखा हुआ है, ये जरूरी नहीं है कि वो नया ही खरीदना पड़ेगा, ये जरूरी नहीं है कि वो आपको नया ही कलश खरीदना है, नया ही आपको लेकर आना है या नया ही आपको लेकर आ। आपके घर में जो मट्टी का कलश रखा हुआ, जो माटी का कलश आपके घर में रखा हुआ, पांच बेलपत्र मट्टी के कलश में जो जल भरा हुआ हो वो जल तांबे के पात्र में डालकर शिवजी पे पांच बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर, जो आप लेकर आए हो पांच बेलपत्र, वो अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर मट्टी के पात्र का जो जल है वो जल बैसाख के महीने में किसी भी दिन, चाहे आप सोमवार को कर लो, प्रदोष को कर लो, चाहे आप बैसाख महीने की, तो आप अगर उस मट्टी के कलश का जल या पात्र का जल शंकर भगवान को पांच बेलपत्री अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर जल अगर चढ़ा देते हैं तो महाराज ये उधर से जो जुड़ी हुई परेशानियां जो मनुष्य को झेलना पड़ती है, चाहे भोजन नहीं पच रहा हो, चाहे उधर में पथरी हो रही हो या कोई अनेक परेशानियां जो उधर से जुड़ी हुई होती है, बैसाख के महीने में अगर प्रतिदिन मट्टी के पात्र का जल शिवजी को समर्पित करा जाता है तो उधर से जुड़ी हुई सारी समस्याएं अपने आप धीरे धीरे समाप्त होने लगती है, उधर से जुड़े। बैसाख के महीने में तो आपको अगर शरीर में कहीं पथरी भी आ गई है ना, कहीं नेत्रों में अगर ज्योति कमजोर पड़ रही है, जाले पड़ने लगे, चश्मा बढ़ने लगा, रात को आंखों में जलन होने लगी, रात को नींद नहीं आ रही है, तो बैसाख के महीने में जो दुर्वा होती है इस दुर्वा को तोड़ लाओ। जहां पर अशोक सुंदरी का स्थान होता है, जहां पर उस अशोक सुंदरी के स्थान पर उस दुर्वा को रख दो और कुंदकेश्वर महादेव का नाम, कौन से महादेव का नाम देना, कुंदकेश्वर, वो दुर्वा को उठा कर लिया। बैसाख के महीने में कोई भी तिथि, कोई भी दिन, कोई भी वार आप बैसाख के महीने में कर सकते हैं। वो दुर्वा को लेकर आओ, लगभग 20-25 दुर्वा लेना, उसको लेकर आइए, सुबह सुबह कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उसको खाना प्रारंभ कर दीजिए। एक दुर्वा रोज खाओ, जो पथरी है या नेत्रों में तकलीफ है या कोई ना कोई, रात्रि को नींद नहीं आना, बेचैनी हो जाना, घबराहट आना, धीरे 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 20 दिन की वो दुर्वा है, 20 दुर्वा एक एक दिन खाना चालू करो, 4 या 5 दिन लगेंगे अपने आप, आपको कोई गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नींद में आना प्रारंभ हो जाएगी और बेचैनी। अशोक सुंदरी वाली जगह पर दुर्वा समर्पित कर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर, कौन से महादेव, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर शिव आराधना का मूल, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हो, भोला सब दुख काटो हो। आप उससे निवेदन करेंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैसाख के महीने में जिस व्यक्ति को रोग बहुत घेर रहा हो, बहुत ज्यादा रोग घेर रहा है, हमारी पूरी टिकनी होती दूसरी लग जाती है, दूसरी ठीक हुई नहीं तीसरी हो गई, तीसरी ठीक नहीं चौथी हो गई, जिस व्यक्ति को रोग ज्यादा घेर रहा हो, तो अगर शंकर जी के मंदिर में आप जल चढ़ाने जाएं या दूध चढ़ाने जाएं तो उसमें काली मिर्ची एक डालकर लेकर जाएं शंकर जी को चढ़ाने के लिए, फिर धीरे धीरे रोग समाप्त होगा, दूसरा रोग नहीं घेरेगा, रोग समाप्त होगा, काली मिर्ची शंकर को समर्पण कर दें। आज फिर कहते हैं अदालत में अगर कोई केस चल रहा हो या कोई व्यक्ति आपका पैसा खाकर चले गया हो, दे नहीं रहा हो, धन डूब रहा हो, पैसा नहीं आ रहा हो, तो वटकेश्वर महादेव का स्मरण करें, बड़ के पेड़ के नीचे छोटा सा शिवलिंग का निर्माण कर उस बड़ के पेड़ के नीचे शिवलिंग का निर्माण कर उसका पूजन कर शंकर भगवान पर दही समर्पित कर देवे, छोटी सी बड़ की डाल उसकी जड़ थोड़ी सी उसको लेकर आ जाए, उस जड़ को अपने साथ में लाल वस्त्र में रखें, गया हुआ धन वापिस आ जाता है, और मान लो अगर अदालत में केस चल रहा है और विजय प्राप्त करना चाहते हो तो जो शिवलिंग पर दही चढ़ाया जाता है उस दही को किसी रुमाल में लगा लिया जाता है, उस रुमाल को अपने जेब में रखकर फिर अदालत में जाया जाता है, और वटकेश्वर महादेव को एक स्मरण करिएगा। मान घर में जो व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाए, क्रोध बहुत आ रहा हो,
चिड़चिड़ प्रवृत्ति कर रहा हो, चाहे बहू हो, चाहे सास हो, चाहे ससुरा जी हो, चाहे बेटा जी हो, पोता जी हो, पोती जी हो, नाती जी हो, पंती जी हो, कोई भी हो, अगर चिड़चिड़ प्रवृत्ति करते हो तो महाराज काली मिर्च जो होती है ना, उस काली मिर्च को पीस कर उसके शिवलिंग का निर्माण बड़ के पेड़ के नीचे कर। जिस व्यक्ति को क्रोध आता हो, चिड़चिड़ प्रवृत्ति होती हो, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ करता हो, तो उस काली मिर्ची का शिवलिंग बनाकर उसका पूजन करें और उसका स्मरण करें और उसके हाथ से जल चढ़वाएं। जिस व्यक्ति के भीतर बहुत क्रोध हो, चिड़चिड़ प्रवृत्ति, उसके हाथ से जल चढ़ाकर पूरी पूजन होने के बाद उस शिवलिंग का विसर्जन वहीं पर पानी डालकर उस व्यक्ति से करा दें जिसके भीतर क्रोध है, चिड़चिड़ प्रवृत्ति। अपशब्द कह रहा हूं, उसके हाथ से चढ़वा लें, उसके बाद उसका क्रोध नहीं रहेगा, उसमें चिड़चिड़ प्रवृत्ति नहीं रहेगी, अपशब्द नहीं रहेगा उसका क्रोध। एक बात बहुत अच्छे से ध्यान करिएगा, अगर आपको लगता है कि थोड़ी सी संपदा की कमी हो रही है, कोई काम नहीं बन रहा, पैसा नहीं आ रहा, या व्यापार नहीं चल रहा, या घर में पैसे नहीं फेर रहे, या लक्ष्मी का आवक नहीं हो पा रहा है, लक्ष्मी नहीं टिक पा रही, लक्ष्मी नहीं आ पा रही है, लक्ष्मी का प्रभाव कम पड़ पा रहा, तो एक बेलपत्र जल के पात्र पे साथ, बेलपत्र हाथ की हथेली पर, जल का पात्र उस हथेली के ऊपर, घर से ही चारों तरफ भ्रमण कराकर अपने घर के अंदर ही कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेकर, जो शिवालय पास में, जो शंकर जी का मंदिर पास में, वहां पर जाकर पहले जल समर्पित कर दें, फिर हाथ में जो बेलपत्र है अपने कार्य का स्मरण करकर वो बेलपत्र शिव जी पर समर्पित कर दें, वहीं से थोड़ा सा जल झेल कर लेकर आए और घर में उस जल का चारों तरफ छिटा दे दीजिए। 8 दिन लगेंगे, ज्यादा से ज्यादा 8 दिन भी बहुत हो गए, हम तो कहेंगे 3 या 4 दिन में व्यापार वापस चलना प्रारंभ हो गया। शिव जी का एक नाम है कुंडकेश्वर, जो जीवन का एक आनंद सुख एक आनंद की अनुभूति कराने का। कुंडकेश्वर महादेव अर्थात जब कोई काम अटक रहा है, जब कोई कार्य आपका ऐसा लग रहा है कि मैं जॉब पर जाना चाहता हूं, मैं एग्जाम दे रहा हूं, नहीं निकल रहा है, प्रयास कर रहे हो आप, कर्म करो और कर्म के साथ में बाबा का नाम भी लेते हुए चलो। ये दूसरा पत्र भी बड़ा शिव कथा कर, किसी काम के लिए जा रहे हो आप, किसी काम के लिए आगे बढ़ रहे हो और वो काम आपका नहीं हो रहा, अटक रहा है, मार्ग में कहीं ना कहीं तकलीफ आ रही है, कुछ मत करो, शंकर जी के मंदिर में जाओ, एक सफेद पुष्प कोई सा भी शिव जी को समर्पित कर कर आओ। क्या नाम लेना है? कुंडकेश्वर महादेव, भगवान शिव का है कुंडकेश्वर, बाबा देव अधिदेव महादेव के भरोसे पर अगर आपने छोड़ दिया, शंकर के भरोसे पर अगर आपने दे दिया, तो ये फिर विश्वास मानकर चलिए कि देव अधिदेव महादेव वो कार्य को, मेरा शिव कहता है मैं कहीं तुझे हाथ जोड़ने ही नहीं देता, एक बार तू मेरे पास तो आकर जोड़ता, और मेरे पास आकर हाथ जोड़ने की भी जरूरत नहीं है, मेरे पास आकर तो केवल दिल जोड़, ये मन जोड़, ये चित्त जोड़, ये वृत्ति जोड़, ये मन को मेरे में लगा कर देख, एक बार तू मेरा होकर तो देख, एक बार दिल से कह तो सही कि शंकर मेरा और मैं शंकर का। बैसाख महीने में बाबा शंकर को जो चढ़ाया जाता है और 1000 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त कर लेते हैं, इंद्र और शमी ने दोनों ने मिलकर भगवान शिव की आराधना करी और देवाधिदेव महादेव ने वर दे दिया, सुनो शमी और सुनो मंदार, यदि कोई भूल से भी आपकी पत्नी आपका पुष्प मुझे समर्पित कर देगा, सुनो मंदार सुनो शमी, अगर कोई भूल से भी आपकी पत्नी आपका पुष्प मुझे समर्पित कर देगा, उसे 1000 अश्वमेध यज्ञ के स्नान का जो पुण्य होता है वो एक क्षण में प्राप्त होगा। 1000 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य, 1000 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य एक क्षण में प्राप्त होगा। ये मंदार ये शमी, 1000 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य एक साथ। शमी की पत्नी देखिए, आप लोगों ने जम के बता बोले जरा, देखिए मंदार पुष्प भी देखा हुआ है। अब शमी की जो पत्ती होती है, उस शमी की पत्ती को भगवान देवाधिदेव महादेव पर चढ़ाने का, शमी की पत्ती जो होती है उस शमी की पत्ती को चढ़ाने का एक नियम भी होता है, थोड़ा सावधानी से सुनना इस नियम को, जो आपके जीवन को सार्थक बना सकता है। शमी की पत्री को चढ़ाने का एक नियम है, बड़ा सुंदर नियम आपके जीवन में उतारने लगा। महाराज जब सारा श्रृंगार मेरे देवाधिदेव महादेव का हो जाए, बहुत ध्यान से सुनना, ये प्रसंग आया नहीं पहले, आज अगर कुबेरेश्वर बाबा की पावन धारा पर ये प्रसंग निकला है तो उसको ध्यान से सुनिए। पत्ती शमी की जो पत्ती होती है, उस शमी की पत्ती को कब कैसे और कहाँ चढ़ाना चाहिए और शमी की पत्ती का फल क्या होता है वो भी अभी हम समझ लें उसको। शमी की पत्ती संपूर्ण स्नान भगवान का हो जाए, संपूर्ण स्नान आप समझें उसको, जैसे ये शिवलिंग है जलाधारी, जल निकल कर जाने का स्थान, गणेश कार्तिकेय अशोक सुंदरी, जलाधारी मतलब माता पार्वती जी का हस्त कमल, शिवलिंग शिव का स्वरूप, ऊपर जो जलाधारी लगी है उसमें से एक एक बूंद जो पानी नीचे गिर रहा है, जो पानी नीचे गिर रहा है, शिव जी की बेटियां जया विशहरा शामली बारी दौतली देव, शिव जी की पुत्र बेटियां। जब देवाधिदेव महादेव को शमी का पत्ता चढ़ाया जाता है, कब चढ़ाते हैं? जब आपने संपूर्ण जलाधारी को हाथ से साफ कर दिया हो, शिवलिंग पर जल चढ़ा दिया हो, शिवलिंग का पूरा श्रृंगार आपने कर दिया, संपूर्ण श्रृंगार मेरे देवाधिदेव महादेव का हो गया, संपूर्ण श्रृंगार, बाबा को चंदन का लेपन, अभीर, गुलाल, अक्षत, बेलपत्र
धतूरा, जो भी तुम्हें चढ़ाना है सब कुछ तुमने चढ़ा दिया, सारा श्रृंगार मेरे देवाधि देव महादेव का हो गया। तब शमी की पत्ती को माँ जगत जननी की जो जलाधारी है उस पर मात्र स्पर्श कराकर शिव के शिवलिंग पर आखिरी में समर्पित कर देना चाहिए, जिससे हमारी मन की जो कामना है वो माँ जगत जननी देवाधि देव महादेव से उनके कानों में श्रवण कर। शमी पत्र का एक बात और स्मरण में रहे, शमी पत्र की बहुत एक बात और अपने स्मरण में लीजिएगा। शमी पत्र जैसे शिवलिंग, जलाधारी और स्थान, जब बहुत ज्यादा मात्रा में दरिद्रता होती है, बहुत ज्यादा मात्रा में बहुत कष्टमय जीवन, जब तुम्हारी चित्तवृत्ति में आए, जब तुम्हारे मन में आए, धन भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, बहुत दरिद्रता का जीवन है, बहुत दुखी जीवन है, तब बेलपत्र और शमी पत्र का प्रयोग जरूर करके देखना। प्रैक्टिकल करने में कुछ नहीं जाता, प्रैक्टिकल करने में क्या जाता, करके देख। उस समय पर वो कहते हैं ना कि कोई कहने वाला कह दे कि महाराज जी, वो एक महाराज प्रवचन दे रहे थे और प्रवचन में देते 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 किसी ने, महाराज जी प्रवचन दे रहे थे कि मदिरा का पान नहीं करना चाहिए, नहीं पीना चाहिए, गलत है, नाली में पड़ा होता है, व्यसन में पड़ा होता है, ऐसा पान ना करो। एक महाराज का पेचन वाला खड़ा हो गया, उसने खड़े होकर कह दिया, ओ महाराज तुम इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हो, तुम्हारा सगा भाई तो पी के नाली में पड़ा, गटर में पड़ा। महाराज जी को क्रोध नहीं आया, समझ थी। महाराज जी ने कहा, भैया देख, मैं भी प्रवचन दे रहा हूँ, मेरा भाई भी प्रवचन दे रहा है, मैं मुँह से समझा रहा हूँ कि पीकर लोग नाली में गिरते हैं, गटर में गिरते हैं, मेरा भाई प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है कि मत पिया। प्रैक्टिकल वाली बात है, शमी पत्र बेलपत्र का एक बार जीवन में प्रैक्टिकल कर देखना, प्रैक्टिकल करना। जैसे आपको कहा कि आपका विश्वास अगर पक्का है, भरोसा अगर दृढ़ है, और शंकर के प्रति अगर आपका विश्वास पक्का है, शंकर कह रहे हैं माँ उमा से, माँ पार्वती से मेरा महेश कह रहा है, मेरा बाबा भोलेनाथ, मेरा बाबा विश्वनाथ, मेरा त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी कह रहा है कि हे पार्वती, एक बीला एक बेल जो मुझे समर्पित करता है, और समर्पित करने के बाद उस बेल की महत्वता देखिए, जो बैसाख महीने में बाबा शंकर को जो चढ़ाया जाता है और हजार अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फलम प्राप्त कर लेते, मात्र फल चढ़ाता, मात्र फल चढ़ाता। हे पार्वती, संसार का मनुष्य जब मुझे वो बेल पत्र समर्पित कर, वो बेल का फल समर्पित करता है, पार्वती वो फल जो मुझे चढ़ता है, फिर मैं भले नर्मदा के जल से निकला हुआ कंकर शंकर क्यों ना हूं, फिर चाहे मैं गंगा के जल से निकला हुआ कंकर शंकर क्यों ना हूं, चाहे फिर मैं यमुना के जल से निकला हुआ कंकर शंकर क्यों ना हूं, चाहे मैं सरयू के जल से निकला हुआ कंकर शंकर क्यों ना हूं, चाहे मंदाकिनी के जल से निकला हुआ कंकर शंकर क्यों ना हूं, हे पार्वती, फिर जो भी शिवलिंग पर वो बेल समर्पित होता है, वो बेल उठाकर जीव अपने कार्य में ले सकता है। ये माँ उमा से कर, तो उस बेल की महत्वता जानेंगे। अब अपन उस बेल को जानने के लिए वापस स्कंद पुराण में चले, तो स्कंद पुराण में लिखा हुआ है कि जो बेल बैसाख के महीने में शंकर को चढ़ाया जाता है, वो बेल का फल उठाकर रख लिया जाता है बैसाख के महीने में, उस चढ़े हुए, बाकी का तो बेल का फल खाना होता है, पर चढ़ा हुआ जो बेल का फल है वो पूरा बैसाख नहीं खाना, बैसाख के बाद में अगला जो महीना आए उस महीने के अंदर उस फल के अंदर का गुर्दा निकालकर उसको सुखा लीजिए, और सुखाकर जिस व्यक्ति को पत्थरी की बीमारी हो और जिस व्यक्ति को पेट में बहुत भोजन पचता ही नहीं है, पूरा शरीर पाचन क्रिया बेकार हो गई, उस व्यक्ति को केवल 7 दिन तक शंकर पर चढ़ा हुआ वो बेलपत्र प्रदान कर दीजिए, पत्थरी भी बाहर और पाचन क्रिया भी, जिंदगी बाहर तकलीफ रहे। उस बैसाख में उस फल की इतनी महत्वता बाबा भोलेनाथ स्कंद पुराण, लिंग पुराण, नर्मदा पुराण, पद्म पुराण के अंतर्गत, शिव महापुराण के अंतर्गत वर्णन, उसकी मात बताई, वो बेल का फल साधारण नहीं हो सकता। अब मंदार का जो पुष्प होता है, आंकड़े का जो फूल होता है, एक सफेद कलर का भी होता है और एक गुलाबी कलर का भी होता है, देखा है आप लोगों ने, बोलो जम के बोलो, देखा है ना। गुलाबी कलर का जो पुष्प होता है वो आप मंदार का, आंकड़े का जो गुलाबी कलर का पुष्प होता है आप टीवी पे देख रहे होंगे, एक सफेद देख रहे होंगे, एक मंदार का गुलाबी फूल, नीला कलर का फूल देख रहे होंगे। जो नीला कलर का जो पुष्प होता है, गुलाबी कलर का जो आंकड़े का फूल होता है, प्रयास करना जब किसी विषम परिस्थिति में फंस गए, विषम परिस्थिति जब आपको लग रहा है कि मुझे बहुत भय लग रहा है, कुछ बुरा होने वाला, आपको लग रहा है आज मेरी उल्टी आंख बहुत फड़क रही है, कुछ गड़बड़ होने वाला, आपको लग रहा है मेरी सीधी आंख फड़क रही है, कुछ गड़बड़ होने वाला, तब केवल वो नीला जो गुलाबी पुष्प है मंदार का, उसको कहीं से लाकर शिवालय में अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श कर शिवलिंग पर आप चढ़ा दीजिए, आपकी विषम परिस्थिति कैसी भी होगी वो रास्ता बनाकर बाहर निकल जाएगी, आपको फंसना नहीं, परेशान नहीं। मंदार आंकड़ा, सफेद आंकड़े का पुष्प भी भगवान शिव को समर्पित होकर, जैसे बेले के फल का गुर्दा, बेल का जो फल होता है, बेलपत्री का फल, उसका जैसे गुर्दा, उसके अंदर का जो भाग होता है बेल का, वो गुर्दा, उसको अग्नि में जलाकर उसकी भस्म तैयार कर छान कर, छान कर, जब जब आपके यहां विद्वान ब्राह्मण शिव जी का अभिषेक कराते हैं, पूजन कराते हैं, तो उसमें लिखते हैं पूजन के साहित्य में बेलपत्री, धतूरा, दुर्वा, ये उसमें नीचे लिखेंगे भस्म, लिखते कि नहीं लिखते, लिखते हैं ना, भस्म अभिषेक में चाहिए रहते हैं। तब उस भस्म का थोड़ा सा भी भाग आप अगर शिव को समर्पित कर रहे हो,
तो ये जान लें कि शंकर मनवांछित फल प्रदान कर रहे हैं, शिव फल प्रदान कर रहे हैं। महाराज बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर This is the ultimate super gaming machine. Seriously. हाथ में एक बेलपत्र का पत्ता रखकर आप पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर रहे हो, पर डंडी का भाग अपनी ओर, बेलपत्र की बीच वाली पत्ती का भाग बीच वाली उंगली की ओर रखकर अगर आप स्मरण कर रहे हैं और अपने काम ना कर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर उस पत्ते को सम्मुख रखकर बाबा से विनय कर एकांत में उस बेलपत्री के वृक्ष की छाओं में, बेलपत्री के वृक्ष की छाओ आप कामना कर उस पत्ते को शंकर भगवान के ऊपर समर्पित कर रहे हैं, तो ये जान कर रखें कि पार्वती और शिव का मिलन करवा रहे हैं और अपनी मनवांछित फल कामना पूर्ण करवा रहे हैं। क्योंकि शिव और पार्वती का जब मिलन होता है, शंकर पार्वती जब एक दूसरे के सम्मुख में होते हैं, शिव और पार्वती जब एक दूसरे के सामने अपने बच्चों के कारण एक दूसरे के सम्मुख में आते हैं तो उनके चेहरे पर प्रसन्नता का भाव आ जाता है। फल मनवांछित फल की कामना आप जिस कामना के लिए कर रहे हैं, विवाह के लिए, नौकरी के लिए, सर्विस के लिए, व्यापार के लिए, रोग मुक्ति के लिए, आप जिस कामना से कर रहे हैं। ईश्वर महादेव जो व्यक्ति पथभ्रष्ट हो जाए, जैसे मदिरा के नशे में पड़ गया, कहीं जुए में पड़ गया, कहीं मांसाहार में पड़ गया, कहीं व्यसन में पड़ गया, कहीं गलत काम में अगर कोई जा रहा है, तो श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से काली तिल भगवान शिव को समर्पित करी जाती है। महाराज काली तिल को वापस उठा कर ले आते हैं, उसी काली तिल को जो मदिरा का नशा करने वाला होता है या जो गलत व्यसन में डूबा हुआ होता है उसको वो सुबह के समय अगर नहीं खाता तो भोजन के साथ उसको दिया जाता है। श्रम्भेश्वर महादेव एक बेलपत्री का भी बहुत अच्छा प्रयोग है श्रम्भेश्वर महादेव का, मदिरा पीने वालों के लिए, मांसाहार व्यसन में, जुए में, पेशावृत्ति में, परनारी में, गलत जगह पर जो डूबे रहते हैं उनके लिए, पहले की कथा में उसका वर्णन किया है बेलपत्री में। श्रम्भेश्वर महादेव एक बार सब बोलेंगे, कौन से महादेव? श्रम्भेश्वर महादेव, फिर जम के बोल लो एक बार, श्रम्भेश्वर महादेव। जब हमारे घर में क्रोध बढ़ता है या कोई गलत कार्य में जाने लगता है तो श्रम्भेश्वर महादेव का हमें शरणागति लेना चाहिए, श्रम्भेश्वर महादेव का पूजन करना चालू कर देना चाहिए। कई लोग कहते महाराज जी श्रम्भेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ मिलेगा, हम कहाँ पूजन करने जा, कहीं नहीं जाना, तुम्हारे घर के पास में जो शंकर जी का मंदिर है वहीं जाओ, उसी देवालय में, उसी मंदिर में जाओ, श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ाना प्रारंभ करेंगे, वो जल जो गलत संगत में पड़ा हुआ है उसका आचमन कराना प्रारंभ करेंगे, अपने आप उसकी धीरे धीरे बुद्धि सुधरना प्रारंभ।